पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, ये है अनुज का फेवरेट इन्वेस्टमेंट। इस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि इस निवेश पर निश्चित रिटर्न तो मिलता है ही, साथ ही में टैक्स भी बच जाता है। और इसीलिए विदाउट फेल, चाहे जो हो जाए, वो हर साल फरवरी महीने के अंत होने के पहले पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपए का निवेश कर देते हैं। लेकिन इस तरह से बिना किसी तारीख का ख्याल रखकर निवेश करके अनुज अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इस वजह से वो अपने निवेश पर कम ब्याज कमा रहे हैं। पीपीएफ में निवेश करने वालों के लिए महीने की 5 तारीख बहुत अहम है। 5 तारीख के बाद निवेश करने का मतलब हुआ कि आपके निवेश पर ब्याज का गणित बदल जाता है और कमाई घट जाएगी। निश्चित रिटर्न के साथ सुरक्षित निवेश के लिए पीपीएफ एक शानदार स्मॉल सेविंग स्कीम है। इस निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर आयकर में कटौती का फायदा भी मिलता है। पीपीएफ खाते में 1 साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ 15 साल की स्कीम है। मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। सरकार स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरों को हर 3 महीने में रिव्यू करती है और पिछले दिनों सरकार ने कई योजनाओं में ब्याज दरें बढ़ाई हैं। लेकिन जब बात पीपीएफ की आती है तो पीपीएफ की ब्याज दरों में अप्रैल 2020 से कोई बदलाव नहीं किया गया है और पीपीएफ पर अभी 7.1% ब्याज मिल रहा है। अब सवाल ये है कि पीपीएफ खाते में ब्याज जोड़ने का क्या नियम है और अनु जैसे लोगों को कैसे नुकसान हो जाता है। पीपीएफ खाते में जमा रकम पर ब्याज की गणना हर महीने होती है, हालांकि कुल ब्याज वित्त वर्ष के अंत में जोड़ा जाता है। ब्याज की गणना महीने की 6 तारीख से लेकर आखिरी तारीख के बीच में खाते में जमा न्यूनतम रकम पर की जाती है, यानी हर महीने की 5 तारीख तक जो पैसे जमा रहते हैं उसी बैलेंस पर पीपीएफ के जरिए आपको ब्याज मिलता है। अनुज पीपीएफ खाते में 5 तारीख के बाद ही पैसे जमा कराते हैं, इसलिए उन्हें 1 महीने का ब्याज नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए, अगर 1 फरवरी को अनुज की पीपीएफ अकाउंट में 20,000 रुपए जमा है और वो 8 तारीख को फिर 10,000 रुपए जमा करते हैं, तो कुल जमा भले ही 30,000 रुपए हो, लेकिन फरवरी महीने का ब्याज केवल 20,000 रुपए पर ही मिलेगा, क्योंकि 5 तारीख तक वही पैसे जमा थे। वही अगर ये रकम अनुज 1 से 5 फरवरी के बीच में डिपॉजिट कर देते हैं तो पूरे जमा पर ब्याज मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि महीने की 5 तारीख तक पीपीएफ में पैसे जरूर जमा कर दे। अनुज को कितना नुकसान हो रहा है ये समझिए। पीपीएफ पर इस समय 7.1% ब्याज मिल रहा है। इस हिसाब से 1 साल में 1.5 लाख रुपए के निवेश पर कुल 10,650 रुपए का ब्याज मिलेगा। अगर रकम महीने की 5 तारीख के बाद जमा करते हैं तो 11 महीने में ब्याज की रकम हो जाएगी 9,762 रुपए। इस तरह जरा सी लापरवाही की वजह से 888 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। फौरी तौर पर देखने पर यह रकम आपको बहुत छोटी सी लगेगी, लेकिन पीपीएफ 15 साल की लंबी अवधि की योजना है। आपके रिटर्न में कंपाउंडिंग 8वें अजूबे का काम करती है। पीपीएफ में भी ब्याज पर ब्याज जुड़ता है। इससे अनु जैसे लोगों को मामूली सी लापरवाही के कारण लंबी अवधि में बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ेगा। पीपीएफ में आप चाहे एकमुश्त निवेश कर रहे हो या फिर आप हर महीने डिपॉजिट कर रहे हो पैसा, अनु जैसी गलती नहीं कीजिएगा, यानी महीने की 5 तारीख तक अपने निवेश को कर दीजिए। अगर किस्तों में निवेश करते हैं तो भी महीने की 5 तारीख से पहले ही खाते में पैसा जमा कीजिए। लंबसम करते हैं, जिस महीने भी कर रहे हैं 5 तारीख के पहले कर दीजिए। इससे आप पीपीएफ में निवेश का पूरा फायदा उठा पाएंगे।